बुधवार को पार्क रोड स्थित एक होटल में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सपा और बसपा का गठबंधन नहीं बल्कि ये ठगबंधन है। दोनों पार्टियों ने मिलकर लोगों की उपेक्षा की है, यह गठबंधन किसी काम का नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वर्ष 2014 और 2017 के गठबंधन को जनता करारा जवाब दे चुकी है, आज भी जनता इसे एक सिरे से खारिज कर देगी। आज थोड़ा पीछे रह गए। सबसे पहले तो मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ लगातार लोगों से जो बातचीत हुई, अभी भी जैसा मैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम सब लोग देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स के माध्यम से भी देख रहे हैं, और जो उत्साह यहाँ पर लोगों में है, मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी श्री उपेंद्र दत्त शुक्ला जी जो हमारे कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी मार्जिन से यहाँ पर जीतेंगे। और जो दोनों कई दल में कह सकता हूँ कि जो मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, वह गठबंधन उनका काम नहीं आएगा। और लोग चूंकि जानते हैं कि अवसरवादी गठबंधन यह सब लोग किया करते हैं, जनता के हित के लिए वह कभी किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं, बल्कि जब अपना हित साधना होता है तभी ये सारे दल एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में मुझे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ से कई बार वो सांसद रहे, यहाँ के लोगों की समस्याओं को उचित जगह पर उठाने का और उसका निस्तारण कराने का काम किया है। मैं तो आप सब लोगों के माध्यम से गोरखपुर की जनता का भी मैं बहुत आभार में व्यक्त करना चाहता हूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा उत्तर प्रदेश को एक व्यक्तित्व और एक मुख्यमंत्री नेतृत्व गोरखपुर से मिला है। मैं यहाँ के जनता का भी बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मात्र 11 महीने के कार्यकाल में मैं कह सकता हूं कि लगभग हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में, हर क्षेत्र में काम किया है, शुरुआत की है। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं, अनेक क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, बहुत उपलब्धि है, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं कि एक मुख्यमंत्री के रूप में, नेतृत्व के रूप में जो विश्वास उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का अर्जित किया है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि आज भारतीय जनता पार्टी की है। और आज उनके आशीर्वाद से उपेंद्र शुक्ल जी यहाँ पर आज प्रत्याशी हैं, निश्चित रूप से बड़ी सफलता यहाँ पर मिलेगी। मैं ये कह सकता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना और बेरोजगारी की समस्या को मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश से ही साफ कर देना, बेरोजगारी की समस्या ही न रह जाए, इस दिशा में यह सरकार काम की है, काम कर रही है। यह बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ 11 महीने के कार्यकाल में।